और आज वर्षा राउत पर सवालों की वर्षा यानी कि सवालों की बारिश होने जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि पात्रा चौल घोटाले में सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से इस वक्त मुंबई में ईडी पूछताछ कर रही है। मुमकिन है कि आज संजय राउत और वर्षा राउत दोनों को आमने सामने बिठाकर ईडी के अधिकारी पूछताछ करें। दरअसल ईडी को वर्षा राउत के एक अकाउंट में 1,08,00,000 रुपए जमा कराने की नई जानकारी मिली है। ये नई एंट्री पता चली है। इसी के बाद ईडी ने समन जारी करके उनको पूछताछ के लिए बुलाया था और वर्षा राउत तय समय पर पूछताछ के लिए पहुंच भी गई। तस्वीरें उस वक्त की जब वो ईडी के दफ्तर में दाखिल हो रही हैं और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि पात्रा चौल घोटाले के मामले में वर्षा राउत से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और मुमकिन ये भी है कि संजय राउत के आमने सामने बिठाकर उनको संजय राउत के साथ बिठाकर पूछताछ भी ईडी के अधिकारी करें, क्योंकि वर्षा राउत के अकाउंट में कुछ ऐसी एंट्रीज हैं, उनके अकाउंट में कुछ ऐसा पैसा आया है जिस पर ईडी को संदेह हो रहा है कि वो पैसा सही सोर्स से नहीं आया है, गलत जगह से पैसा आया है। और उस पैसे को लेकर क्या जवाब होगा वर्षा राउत का, यही सवाल उनके सामने आज ईडी के अधिकारी रख रहे हैं। जो नई एंट्री 1,08,00,000 रुपए की बताई जा रही है, वो कैसे आई, कहां से आई, इसके पीछे, इस ट्रांजैक्शन के पीछे का मकसद क्या था, इतनी बड़ी रकम उनके अकाउंट में क्यों भेजी गई, इसके एवज में उन्होंने या उनके पति संजय राउत ने किसको फायदा पहुंचाया, ऐसे कई प्रश्न हैं जो ईडी के अधिकारियों के पास हैं और वो प्रश्न आज वर्षा राउत के सामने रखे जाएंगे। मुमकिन ये भी है कि संजय राउत और वर्षा राउत पति पत्नी को आमने सामने बिठाकर भी ईडी के अधिकारी पूछताछ करें। तो इस वक्त ईडी के दफ्तर में वर्षा राउत हैं, पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ हो रही है। और अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। अंकुर, वर्षा राउत से पूछताछ चल रही है, कितनी देर हो गई लगभग? देखिए फिलहाल 11 बजे का टाइम उनको दिया गया था, 10:30 बजे का टाइम था जब वो आ गई थी। थोड़ी देर वो बाहर रहती हैं, उसके बाद तयशुदा वक्त से कुछ मिनट पहले वो अंदर जाती हैं। 11 बजे का वक्त दिया गया है उनको पूछताछ करने के लिए, तो यानी अब यहाँ से पूछताछ होनी शुरू हो चुकी होगी और उसके बाद अब यहाँ से कितना लंबा दौड़ जाएगा और किस तरह की पूछताछ होगी ये देखना होगा, क्योंकि ईडी को बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरीके से पूछताछ करनी है। 1,08,00,000 की जो रकम जिसके बारे में हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं वो उनके अकाउंट में आई थी। 4 अगस्त को जब ये सबकी पेशी हुई थी तब भी कोर्ट के संज्ञान में चीज़ें नहीं थी कि उनके अकाउंट में चीज़ें आई थी या नहीं आई थी, तो इसीलिए अब जब नेक्स्ट जो हियरिंग उनको 8 अगस्त तक की मिली है तो उससे पहले पूछताछ करके ये जानना चाहती है ईडी की रकम कहाँ से उनके अकाउंट में आई, किसके जरिए आई, उसका सोर्स क्या था और इस तरह की तमाम चीज़ें। यही नहीं, इसके अलावा संजय राउत को और वर्षा राउत को आमने सामने बिठा कर भी पूछताछ की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है अलीबाग की जो प्रॉपर्टी है जो कि वर्षा राउत और इस मामले के जो शिकायतकर्ता हैं स्वप्ना पाटकर, दोनों के जॉइंट अकाउंट में इनको उसको खरीदा गया था। तकरीबन 10 लैंड पार्सल थे, 8 की रजिस्ट्री हो गई थी, 70% ऐसा था इस पूरी डील का जिसको कैश में दिया गया था, तो वो अमाउंट कहाँ से आया था, उसका सोर्स इनकम ऑफ इनकम क्या था, ऐसी कई सारी अलग अलग बातें हैं जिनको उस चीज़ को वेरीफाई करना है। और यही बात है, और ईडी लगातार अपनी जो कोर्ट की कार्रवाई थी उसमें भी लगातार कहती रही थी कि हम संजय राउत को इस मामले के इस पर अलग अलग जो पक्ष हैं उनके सामने बिठाकर आमने सामने बिठाकर क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके का है, तो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर फिलहाल ईडी अपनी जाँच कर रही है। बिल्कुल अंकुर, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस तरह के सवाल जिनका जिक्र अंकुर कर रहे थे, वो तमाम सवाल ईडी के अधिकारी वर्षा राउत के सामने रखेंगे और उन सभी सवालों के सही उत्तर वो चाहते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये क्यों हुआ, इतनी बड़ी रकम क्यों मिली और इतनी बड़ी रकम के पीछे, ट्रांजैक्शन के पीछे मकसद क्या था, ऐसे कई प्रश्न हैं जिनको ईडी के अधिकारी जानने की कोशिश करेंगे।